इस बयान का प्रत्युत्तर भी आया है अभय मिश्रा जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि रीवा सांसद कोरेक्स पीते हैं और इसलिए वो जरूर बयान देते हैं। मेडिकल चेकअप हो जाए तो पता चलेगा कि नशा कौन करता है कौन नहीं करता है। अरे साहब लहर है, आप देख नहीं रहे हो, हर आदमी बोराया हुआ है, एकदम सनक सवार है लोग। बीजेपी को खत्म करने के लिए योजना बनाए हैं, जैसे कबड्डी के खेल में जब कोई खिलाड़ी को बोलने जाता है तो पकड़ने वाला आदमी एक दो नहीं पकड़ता, वो चैन बना करके पकड़ता है। बीजेपी तो इस बार सिरमौर विधानसभा में बच नहीं सकती और ऐसी इसकी आने वाली सियासत विरासत खत्म होगी कि जैसा कि सर्प को जब मारते हैं लोग तो उसका मूड कुचट देते हैं जिससे कि कभी वो जिंदा ना हो सके। विधायक तो बहुत थी यार, पर मिल रही है क्या करेगा, अनाज फ्री में मिल रहा है, निराधार वाले को 1500 रुपए दे रहा है, और काश्तकारों को भी, किसानों को भी जो भी दे रहा है दे ही रहा है। भैया एक चीज मैं बताऊं, मैं तो मतदान करने रहूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी वो शादी है एमपी में अच्छा। खास रिलेशन में। हाँ, हाँ। अब भैया शादी को देखना पड़ेगा कि इधर मतदान देती है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है यार, इसीलिए कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार। आज तुम तहसील में भी जाओ, अगर एक थोड़ा सा भी अगर काम कराना तो बिगड़ दिए तो काम होते नहीं। क्यों भाव, आज तुम कोई नेता के पास में भी जाओ, नेता तो डायरेक्ट अपना काम करेगा नहीं, वो बोल देगा फलानी जगह जाओ ठिकानी जगह जाओ। भैया देखो गलत किए हो तो गलत का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। आज मैं कहता हूँ मेरी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, आप मेन हो और आपकी पार्टी में अगर एकाध ने अगर गलत किया तो भैया तो आपको भी लपेटेंगे ना कि आप मेन हो। क्या काम नहीं हुआ आपके? अभी यहाँ ये टीपी वगैरह भेजी के टीपी चली पड़ी है, अभी गर्मी में हम मरे जा रहे हैं, ना कूलर चलते ना पंखे चलते। तो सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ लाइट की है? सबसे बड़ी समस्या लाइट की है, लाइट के विषय में तो हमारे बच्चे है ना हैरान परेशान है।